इंसान से ज्यादा अहमियत अब उस कांच के बने मोबाइल की हो गई है। लगता है ऐसी फितरत हर एक बच्चे की हो गई है। लगता है हर घर के बच्चे मोबाइल चलाने लगे हैं, किताबों को छोड़कर मोबाइल पे उंगलियां चलाने लगे हैं। सर्वप्रथम मैं माता कामाख्या जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी, नेक श्री निर्णायक मंडल, विद्यालय प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापकगण और मेरे प्यारे दुलारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का दिल की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं गौरव चौहान पाठशाला का छात्र आप सभी के सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों में मोबाइल फोन की लत और उसके दुष्प्रभाव पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अरे दोस्तों, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका मोबाइल फोन होता है, और जिसका मोबाइल फोन होता है वो दुनिया में किसी का नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मोबाइल फोन की लत क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख सकता तो उसे खाते पीते जागते उठते सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही क्यों चाहिए। यही तो है वो मोबाइल फोन की लत, एक तरह का मोबाइल खर्चा जो बच्चों से लेकर और बूढ़ा तक फैलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल कोहरी कल्पना और कोहरी वादे लेकर ही नहीं आया हूँ। हाल ही में एम्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21% बच्चों को कम दिखाई देने वाले मायोपिया नामक रोग की शिकायत हुई है। दोस्तों, बच्चों में मोबाइल फोन की लत लगने का कारण कुछ हद तक उनके माता पिता और परिवार के सदस्य भी होते हैं। मैं ये नहीं कहना कि माता पिता अपने बच्चे को जानबूझकर मोबाइल चलाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि बहुत अपने बच्चों को ये समझ कर मोबाइल देते हैं कि हमारा बच्चा इसके अंदर सिर्फ लाइफ सीख रहा है, थके हुए माता पिता जब घर को वापिस आते हैं तो वे बच्चे को मोबाइल देते हैं कि ताकि बच्चा धूप के लिए शांत बैठ सके। परंतु उसका नतीजा क्या होता है? जो बच्चा कोहरी मिट्टी से बना होता है वो इसका आदि हो जाता है। अरे, कुछ बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस के बहाने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अरे दोस्तों, बोया पेट बबूल का आम कहाँ से हुए? चिपके रहोगे मोबाइल पे तो सफर कहाँ से हुए? तो सफर कहाँ से हुए? दोस्तों, बीड़ी सिगरेट नशे तो हमारे किडनी फेफड़े लीवर को ही खराब करता है, परंतु मोबाइल का नशा तो हमारी जिंदगी खराब कर देता है। इससे उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। बच्चों में कम उम्र में नींद आना, बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, शारीरिक एकाग्रता में कमी, ये सारे मोबाइल के दुष्प्रभाव है। एक छोटी सी स्क्रीन में बच्चों को भी अपना आशियाना मिला। मैंने देखा 4 से 6 महीने के बच्चे का मुंह मोबाइल को देख कर खिला। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों की आगे जिंदगी खत्म हो रही है। एक स्टाइल से कैसी लत लग गई हर एक बच्चे को मोबाइल से। दोस्तों, पुराने जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, न 4G था न 5G था, केवल गुरुजी और पिताजी होते थे। जब कभी इनसे 2-3 थप्पड़ पड़ता थे ना, तो सारा का सारा नेटवर्क एकदम से आ जाता था। पुराने जमाने में शिक्षा लिखी जाती थी, कितना अच्छा शिक्षकों का अच्छे अच्छे विचारों का संकलन भी हो जाता था। परंतु आज किसी नम के पिता को मोबाइल पर नहीं कहूंगा, पूज्य पिता जी नाम जो कि चिट्ठियों में लिखा जाता था, बल्कि आजकल तो कहते हैं हेलो डैड, हाय डैड, अपने जीते जी पिता को डैड कर दिया, मार डाला उनको, डैड को डैड कर दिया, और अपनी माता को कहते हैं हेलो मॉम, हाय मॉम, अपनी जीती जी माता को मोमबत्ती बना दिया और उससे बुझा दिया। क्या ये हमारा संस्कृति और संस्कार जिसके लिए भारत विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था?
शरीर को इसने मन रोगी बना दिया, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, और इसने घर में एक साथ बैठकर बतियाने वाला वो परिवार छीना है। दोस्तों पंडाल में बैठी प्रभु जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फोन डिस्प्ले दीजिए, बस सीमित समय के लिए दीजिए, ना कि इसके अधीन हो जाए, और बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर भगाने के लिए केवल आगे अभिभावकों को ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा और एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जिससे बच्चे पीड़ित हो और मोबाइल फोन की लत से दूर भाग जाए। क्या पता हमारी छोटी सी कोशिश से हम किसी के घर के चिराग को भुलने से रोक सकते हैं, सिर्फ जरूरी बातों के लिए करेंगे मोबाइल का इस्तेमाल, खत्म कर सकते हैं हम और आप ये मोबाइल का मालदार, मोबाइल से दूर भागेंगे हमारे साथ, फिर देखना मैं गौरव इस बात की गारंटी देता हूँ आप अपने माता पिता के साथ जिंदगी जिएंगे खुशहाल और आनंदित। धन्यवाद। तो ये थे आपके बीच में KBS